प्रियात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदर्श औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरन्नम पुरुषम महांतम नारायणम स्तम शिरसा नमामि नामयम विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानं च पालिने जीवदुखे सदात्राय श्री नाम प्रेमदायिने नामयम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने श्रीभार्षभानवी देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण समन्थ विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः माधुर्यज्वल प्रमाण श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणि श्री रूपानुग वृद्धाप सिद्धांत दंतहारिणि नमो गौरवेश्वराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौराविर्भावमिष्टं निर्दिष्टाय स्वजनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवि सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 दवनल सम संसार दहनी दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा वारी कृपा वारी भरी वंदित गुरु चरण नृत गीता वाद श्री हरि कीर्तनी रहे नागना महामत मनी रोमांच संपाशु आए गौर प्रेमी वंदित गुरु चरण ज
जो के कर सके सन वृंदावनी अति लक्षताय प्रियता मगरे बंद से गुरु चरण किंतु जी प्रभु प्रियता I'm
श्री कृष्ण
Bye.
Thank you.
नमामि नंदन नंदन नमामि नंदन नंदन नमामि नंदन नमामि नंदन नंदन सुचारु भक्त मंडल सुकर्ण रत्न कुंडल Thank you.
Thank you.
दस मिनट कथा सुन लो। ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवे सत्यवतये नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तों को चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे। इसी महीना में जो दामोदर अष्टक है जिसको श्री सत्यव्रत मुनि ने अपना दिव्य दृष्टि से दर्शन करते हुए वो अष्टक गाए, जब ठाकुर का आरती कर रहे थे जो अष्टक हम गा रहे थे, जब गुरु जी मथुरा में रहते थे ये अष्टकों को बड़े सुंदर रूप में व्याख्या करते थे। हम भी कोशिश करेंगे जथामति हैं इस श्लोकों को व्याख्या करने के लिए। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे, सत्यव्रत मुनि जब श्लोक को प्रारंभ करते हैं कहते नमामि ईश्वरम, जो विश्व ब्रह्मांड का जो सर्व कारण का जो कारण जो भगवान, हम उनको प्रणाम करते हैं। हम कल सुन रहे थे ठाकुर को प्रणाम करने का कितना महत्व है। एक बार जो निष्कपट होकर के ठाकुर जी को प्रणाम कर ले कहते फिर वो कभी मैया का दूध कभी नहीं पिएगा। मैया का दूध कब पिएगा? जब पेट में आए तभी मैया का दूध पिएगा, मतलब उसका जन्म मृत्यु समाप्त। एक बार ठाकुर जी को प्रणाम करने का इतने महत्व, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने नमामि शब्द प्रयोग किया। इसलिए भक्ति दो तरह का है, एक वैधी और एक रागन हुआ। इसलिए यहाँ पर वैधी भक्ति से यहाँ पर शुरू किया, करते 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 भक्ति कहाँ तक बढ़ेगी ये श्लोक में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेकर के लास्ट में ब्रज में पहुँचेंगे। और ब्रज भक्ति में भी वात्सल्य भक्ति, उसको बाद में जो श्रृंगार रस है, राधा रानी ने गोपियों ने जो भक्ति की वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति, वो धीरे 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 ऊपर ऊपर धीरे धीरे ले जाएगी। इसलिए कहते नमामि ईश्वरम, कहते वो कौन है? बोले सचिदानंद रूपम। हमारे जैसे भगवान का शरीर नहीं, कभी कभी हम कहते ना अरे हमने जैसे जन्म लिया भगवान ने इसे तो जन्म ले लिया, नहीं। भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम, उनका जन्म कर्म दिव्य और अलौकिक हैं। हमारे शरीर किसने कितने चीज से बनी हुई? पांच। क्या क्या? क्षिति आप तेज मरुत और बम हैं, मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश से। लेकिन भगवान का शरीर किस चीज से बनी हुई? सच्चिदानंद रूपाय, सत चीत और आनंद। कहते आनंद अंश में श्री राधा रानी, चीत अंश में श्री कृष्ण और सत अंश में श्री बलदेव प्रभु हैं। जब ये तीन चीज होते हैं तब कृष्ण परिपूर्ण होते हैं।
इसलिए भगवान का जो शरीर है कहते सचिदानंद रूपाय है सच, इसलिए कहते नमामि स्वरम सचिदानंद रूपम कहते लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। मैया जसोदा ने लाला को कुंडल ठाकुर जी को पहना दिया, इसलिए यहाँ पर कहते जो कुंडल है जब दोलयमान होता है बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए कहते कृष्ण तो सारा शरीर में श्रृंगार पहनते हैं, गले में भी कृष्ण सुंदर हार पहनते हैं और कृष्ण प्यार में भी नुपुर पहनते हैं, कृष्ण सुंदर अलंकार सारा शरीर में पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा अलंकार का महत्व है, बोले कान में जो कुंडल पहने। बोले क्यों, कारण क्या, कारण है कहते ब्रज में जितने भगवान का अलंकार है ना वो कोई साधारण नहीं, कहते ये बलदेव प्रभु ही ये अलंकार रूप धारण किए और वहाँ का जो अलंकार ये साधारण नहीं, जब कान में जो कुंडल जब पहनते हैं जो दोलायमान होता है जो दोलता है क्या करता है उनको गालों में कपल में बारंबार स्पर्श करता है, इसलिए यहाँ पर टीकाकार कहते कपल में नहीं उनको चुंबन करता है, ये कुंडल क्या करता है कृष्ण का जो कपल को बारंबार ये चुंबन कर रहे हैं, बताओ कि ये सौभाग्य किसको प्राप्त होगा, कृष्ण के कपल को चुंबन करना कौन चुंबन कर सकते हैं, हैं? इसलिए ये कुंडल कोई साधारण नहीं, इसलिए कान में कुंडल भी पहनना देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, इसलिए कुंडल फिर गोकुल भ्राजमानम वो कहाँ पर शोभायमान होते हैं, बोले गोकुल में हैं, ये गोकुल में शोभायमान होते हैं, इसका मतलब क्या है, यद्यपि कृष्ण मथुरा में भी रहते हैं वहाँ पर भी सुंदर है, यद्यपि कृष्ण द्वारका में भी रहते हैं वहाँ भी सुंदर है, लेकिन कहते कृष्ण सबसे ज़्यादा सुंदर कहाँ पर है, कहते जब कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं तब भी कृष्ण पूर्ण रूप में सुंदर है, बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण ही भगवान की जो सुंदरता ये भक्तों को ऊपर निर्भर करता है, हैं? जब कृष्ण सखाओं को साथ में रहते हैं वो एक सुंदर है, लेकिन जब जसोदा को साथ में रहते हैं और एक सुंदर है, लेकिन कृष्ण जब गोपियों को साथ में रहते हैं ना और ज़्यादा सुंदर, जैसे उदाहरण दिया जैसे गोपियाँ कैसे उनका रंग है गौर रंग, कृष्ण कैसे हैं श्याम रंग के नीलमणि, हैं उदाहरण दिया जैसे गोपियाँ जब चारों तरफ में खड़ी हो बीच में जब कृष्ण खड़े होते हैं ना बस कृष्ण और भी सुंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा कृष्ण कब सुंदर लगते हैं, जब राधा रानी को साथ में कृष्ण खड़े होते हैं सबसे ज़्यादा कृष्ण सुंदर लगते हैं। देखो एक सुंदर कथा सुनो, ये बृहद भागवतामृत की कथा है, भले एक समय कृष्ण द्वारका में जब रहते थे 16,100 पट रानियों को साथ में, एक दिन कृष्ण वृंदावन का चिंतन करते करते कृष्ण बेहोश हो गए, जब बेहोश हो गए अभी सब लोग को चिंता में पड़ गए उनको होश कैसे आए, कृष्ण का होश कैसे आए, लेकिन होश नहीं आ रहा है, बोले तब भी इनकी होश आ सकता है क्योंकि ये वृंदावन का चिंतन करते करते बेहोश हो गए, अगर वृंदावन का परिवेश अगर बनाया जाए तब इनका होश हो सकता है, बोले क्या किया जाए फिर कृष्ण को, इतने में पितामह ब्रह्मा जी को बुला करके बोले देखो इनके लिए एक नव वृंदावन बनाओ हैं और इनको गरुड़ को पीठ के ऊपर बैठा लो, तो बैठा करके वहाँ पर ले चलो जहाँ पर नव वृंदावन बनाएगा हैं और वहाँ पर इतने सुंदर जैसे कृष्ण वृंदावन में रहते समय जैसे कृष्ण गोचारण करने के लिए सखाओं को साथ में चलते हैं, बोले बड़ी सुंदर सुंदर गैया बछड़ा बना दो और दाम वसुदाम श्रीदाम सुंदर सुंदर सखाओं को बना दो, और जब कृष्ण नींद से उठते हैं क्या होता है, मैया उनको मक्खन खिलाती हैं, ऐसे उन्होंने मैया जसोदा बनाई थी सचमुच से मैया उनको मक्खन दे रही हैं, और जब कृष्ण जाते हैं गैया चराने के लिए गोपियाँ क्या करती हैं, कुंज की आड़ से गोपियाँ कृष्ण को दर्शन करती हैं और राधा रानी भी कृष्ण को दर्शन करती हैं, पूरा उन्होंने वृंदावन बनाया सुंदर एकदम लगेगा जैसे कोई आर्टिफिशियल नहीं, लगेगा जैसे सचमुच से ही ये वृंदावन बन गया हैं। अब कृष्ण जब द्वारका में कृष्ण का ड्रेस कैसे, राजाधिराज द्वारकाधीश
बोले ये सारे ड्रेस को उतार दो और कृष्ण को वृंदावन का ड्रेस में उनको सुसज्जित कर दो, जैसे वृंदावन में पीताम्बर है, मोर मुकुट है, हाथ में बंसुरी है, हैं ऐसे ही सजा दो कृष्ण को, और वहाँ पर पत्ते फूल में कृष्ण का श्रृंगार होता है, और बलदेव प्रभु को भी उन्होंने ऐसे ही बलदेव प्रभु को भी श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार करके कृष्ण को वहाँ पर ले गए, ले करके और बोले देखो कृष्ण का 16,100 पट रानियाँ, बोले देखो तुम लोग पास में नहीं फटकना, दूर से रहो, कृष्ण को पता नहीं चले मैं द्वारका में हूँ, उसको पता चले वृंदावन में, सब सुंदर सुंदर दूर दूर में तुम लोग धरा करके देखो कृष्ण का रूप का दर्शन करो, रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी मित्रवृंदा लक्ष्मणा सब दूर दूर में सब छुप करके देख रहे थे कृष्ण क्या करते हैं। और वहाँ पर नारद भी थे, हैं वहाँ पर नारद भी, नारद को बोले दूर में रहो, उद्धव जी को बोले, सात्विक को बोले तुम लोग सब दूर दूर में कृष्ण को दर्शन करो। और जो कंस है वहाँ पर, कंस का मैया भी थी, उनका नाम क्या है, कंस की मैया का नाम, उसका नाम पद्मा है, हैं वो एकदम 100 साल की डोकरी, वो हर समय कृष्ण को हैं अरे बोलती थी अरे ये ब्रज में क्या प्रेम, ब्रज में कोई प्रेम प्रेम नहीं, ये तो हमारे लाला कन्हैया को लेकर गैया चरवाए हैं, गैया चरवाए, अगर वो ज़्यादा बोलेंगे ना कृष्ण जितने दिन गैया चराए उसको पैसा दे दो और जितना दिन कृष्ण को खिलाया पिलाया उसका हम पैसा दे देंगे, उसका बुद्धि एकदम पूरा मारी हुई बुद्धि, उसको भी बोल दिए तुम भी दूर में खड़े रहो पता नहीं चले हैं, जैसे कृष्ण द्वारका में। इतने में श्री कृष्ण एकदम सुसज्जित कर दिया, इतने में श्री बलदेव प्रभु आए और बलदेव प्रभु आ करके कृष्ण को कहते कन्हैया कान्हा, जैसे ब्रज में बोलते थे अभी, तो बोले कान्हा ये ब्रज का नाम, बोले कान्हा उठो देखो ये कितना दिन हो गया हमको, आज बड़ी दूर जाने का था गैया चराने के लिए, देखो सूरज उठ गया है और वहाँ पर सामने समुद्र बह रही है, सूरज उठ गया और देखो सखा लोग कैसे तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, और जो गोपियाँ हैं ना कुंज से तुमको देख रहे हैं, बोले अभी तक तो सो रहे हो और मैया मक्खन लेकर के खड़ी है तेरे को मक्खन खिलाने के लिए, कृष्ण उठो उठो कृष्ण, कृष्ण तो ब्रज भाव में डूबे हुए थे। इतने में कृष्ण उठे, जब कृष्ण उठे इतने में बलदेव प्रभु का भी वृंदावन का ड्रेस, उनका शरीर भी वृंदावन, वो सोच रहे अभी मैं वृंदावन में, कृष्ण वृंदावन में रहते समय उनका जैसे हाव भाव कटाक्ष, उनकी जो चाल चलन था, कृष्ण जब वृंदावन भाव में उठे उठ करके उनका जो लटकन झटकन, उनका जो गोपियों को देखना, जसोदा को देखना, अभी द्वारकाधीश है ना, इनका संपूर्ण हाव भाव बदला हुआ, लेकिन वृंदावन का हाव भाव संपूर्ण अलग है। इतने कृष्ण वृंदावन में रहते हुए कृष्ण इतने सुंदर, उनकी जो कटाक्ष है, उनकी जो भ्रूरभंगी, उनकी जो चाल है, ये जो पद्मा थी वो 100 साल की डोकरी बूढ़ी, लेकिन कृष्ण का रूप देख करके वो भूल गई मैं बूढ़ी हूँ, वो सोच रही मैं छोरी हूँ, हैं और वो कृष्ण को पकड़ने के लिए उसने भागी, मतलब कृष्ण इतने सुंदर वो भूल गई मैं डोकरी हूँ। और जो रुक्मिणी सत्यभामा जो दूर में खड़ी हुई थी ना, कृष्ण का वृंदावन का हाव भाव देख करके वो अपना को सहन नहीं कर पाए, वो भी पकड़ने के लिए कृष्ण को दौड़ रहे थे, लेकिन उनको किसी तरह से उद्धव सात्विक और नारद जी उनको रक्षा कर रहे थे, अभी मत जाया करो कृष्ण को पास में मत जाया करो। पहले पहले जब कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा को साथ में शयन करते थे, सोते थे तो इनको पास में, लेकिन रोते थे ब्रजवासियों के लिए, हे राधे तुम कहाँ हो, हे ललिते तुम कहाँ हो, हे विशाखे तुम कहाँ हो, कभी कभी रो रो करके अपना तकिया गीला कर देते थे कृष्ण। इसलिए कभी कभी महिषियाँ सोचती थी ये ब्रजवासियों ने कृष्ण को पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया, हैं हम एक से एक राजा राज घराने के हम लोग सब लड़कियाँ हैं, सारे कला में निपुण हैं, पता नहीं ये गोपियाँ गैया चराने वाली, कंडा बिनने वाली, दधि मंथन करने वाली, इन लोगों ने क्या कृष्ण को जादू का टोना कर दिया, कृष्ण तो सोते हैं हमारे पास में और रोते हैं किसके लिए, वृंदावन के लिए, गोपियों के लिए, राधा रानी के लिए रोते हैं, इन लोगों ने इसे क्या जादू टोना किया। लेकिन आज जब महिषियों ने देखा
ये ब्रजवासियों को प्रति कितना इनका प्रेम है, ब्रज में रहते हुए कृष्ण कैसे इनका बसीभूत है, इन लोगों ने आज अनुभूति किया। जो ब्रज में जो गोपियां रहती है ना, उनकी दासी की दासी की दासी को कृष्ण जितना प्यार करते हैं, हमें उतना प्यार कृष्ण नहीं करते, इनका अनुभूति हो गया, ये अनुभूति कर ली ये चीज को। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण यद्यपि सब जगह में कृष्ण सुंदर है, लेकिन होने पर भी, लेकिन कृष्ण का जो सुंदरता परिपूर्ण रूप में कहाँ प्रकाश होता है, कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं, ब्रज गोपियों के पास में मैया जसोदा सखा के साथ में रहते हैं, कृष्ण पूर्ण रूप में कृष्ण स्वभावान होते हैं। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ जोर से बोलो, बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गोकुले भ्राजमानम, कृष्ण कहाँ पर सबसे ज्यादा स्वभावान होते हैं, गोकुल में। कृष्ण जब गोकुल में रहते हैं उनका रूप एक अलग निराली, इनकी अलग रूप है। गोकुले भ्राजमानम बोले जसोदा भियलो खलाप धाप मानम, कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने मटकी फोड़ी, कृष्ण मटकी फोड़ी, क्योंकि कृष्ण क्या करते थे, कृष्ण घर घर में कृष्ण मक्खन चोरी करते थे, हाँ घर घर में प्रभु मक्खन चोरी करते थे कृष्ण, इसलिए रोज रोज गोपियां आकर के मैया को उल्हाना देते थे, उल्हाना नहीं देती थी, क्योंकि कृष्ण जब मक्खन चोरी करने के लिए जाए एक बार तो कृष्ण का दर्शन होता है, क्योंकि ये गोपियां कृष्ण को बड़े प्यार से, और विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक हो क्या चोरी करेंगे, चोरी कौन करता है, जिसको पास में खाना नहीं वो चोरी करता है ना, लेकिन वो तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, वो क्या चोरी करेंगे, वो चोरी नहीं, वो गोपियों के प्रेम को भक्ति को ग्रहण करने के लिए कृष्ण जाते थे। और गोपियां बड़े प्रेम से बोलती थी, क्या बोलती थी, बोले आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गोजरिया चाल, आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल के प्यासी गोजरिया चाल, कोई कोई मटकी में बोली भल गई अनके, कोरी कोरी मटकी में बोली भाली गई, आ तेरे लिए दही करी राखी नंदला, आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया जा, आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आओ गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया जा। इसलिए कृष्ण क्यों जाते थे, रोज रोज नए नए मटकी में हैं गायों की मक्खन दूध रख करके बोलते थे, कन्हैया क्या तुम हमारे घर में आओगे, हमने जो बनाया तुम इसको क्या ग्रहण करोगे, तब भी भगवान जाते थे हैं, भगवान को कितने लोग कहाँ द्वारका में मथुरा में अयोध्या में, भगवान को वैकुंठ में कितने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, हैं कितने भक्त अनंत करोड़ भक्त अनंत जगह में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर कृष्ण इनके घर में चोरी करने के लिए जाएंगे, सारा दुनिया का जो मालिक है ये क्यों चोरी करेंगे, बोले अभी भी कृष्ण गोकुल में, अभी भी ब्रज में कृष्ण घर घर में, अभी भी कृष्ण मक्खन चोरी करते हैं, क्यों, उनके प्रेम को ग्रहण करने के लिए ठाकुर जी घर घर में जाते थे। शिकायत पर क्यों करती थी, बोले इसलिए शिकायत करती थी जब कृष्ण एक बार आते थे मक्खन चोरी खाने के लिए, एक बार तो कृष्ण का दर्शन करते थे, लेकिन जब कृष्ण चले जाते थे ना, फिर कृष्ण विरह में तड़फड़ाना शुरू कर देती थी, इसलिए बहाना बना करके आती थी मैया को शिकायत करने के लिए। एक दिन कुछ गोपियां शिकायत करने के लिए आई, कृष्ण इधर खड़े मैया इधर खड़ी, बोले मैया मैया हमको लगता है ये गोकुल छोड़ करके और किसी गांव में जाना पड़ेगा, बोले कहाँ बात है क्या हुआ है, बोले तेरे लाला हमारे घर में मक्खन चोरी करता है। मैया ने बोली एक काम करियो, मेरे लाला है ना अंधकार को बहुत डरता है, अंधकार में रख दो मेरे लाला नहीं जाएगा। बोले मैया हमने सो भी करके देख लिया, बोले फिर,
बोले तुम जो लाला का शरीर में जो हीरे जवाहरात जो अलंकार को धारण कराते हो वो अंदर में जाते ही अपने आप प्रकाश हो जाता है। मैया बोली एक काम करता हूँ, इसको मैं उतार करके रख लेती हूँ। बोले तेरी सौगंध, हाथ मत लगायो, हैं हाथ मत लगायो। बोले मैया बोली फिर एक काम करियो, छिके के ऊपर रख दिया करो, फिर मेरे लाला तो छोटो सो इसलिए हाथ नहीं पहुँचेगा। बोले मैया सो भी कर लिया। बोले घर में कोई जीना कोई क्या सीढ़ी बना करके रखे हो? बोले बनाने का जरूरत नहीं, परमात्मा तेरे लाला को इतने दिमागदार बनाया और दाऊ भैया मोटो सो उनको नीचे बैठा देते हैं और उसको ऊपर मधुमंगल उसको ऊपर सिद्धामर खुद उसको ऊपर चले जाते हैं और उतार देते। बोले और थोड़े ऊपर लटका दो। बोले हमें सो भी कर लिया। बोले फिर कद हाथ में एक छड़ी ले जाते लठिया ले जाते। मैया बोले एक काम करियो, जो नीचे माल नहीं रखना और ऊपर में माल नहीं बीच में माल रखना, पता नहीं चढ़ेगा। बोले हमने सो भी करके रख देख लिया। बोले कैसे? और पहले तो स्टील का होता ही नहीं, पहले किस होता था मिट्टी का, आज जिसमें माल होगा ना उसमें गीला गीला दिखता है, आज जिसमें माल नहीं होगा सूखा सूखा दिखेगा। और वो क्या करते डंडे से ऐसे मारते हैं, आज जिसमें माल नहीं होगा उसमें ठन ठन, आज जिसमें माल होगा आवाज़ नहीं होगा, हैं इसलिए पता चलता भैया इसमें ही माल, बस ऐसे मारते हैं मार करके फोड़ देते और उसका एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं देते, हाथ लगा करके पूरा पूरा सटका देते हैं। हमने सब करके देख लिया लेकिन मैया ने बोला एक काम करियो, मेरे लाला तुम्हारी घर में जितने मक्खन खाता है दोगुने दोगुने मेरे घर से ले लिया करो। बोले मैया तेरे आशीर्वाद से घर में किसी चीज की कमी नहीं, केवल वो शिकायत करने नहीं किस लिए जाती, कृष्ण को दर्शन करने के लिए, कृष्ण दर्शन हो जाएगा इसलिए शिकायत करने नहीं जाती थी गोपियाँ, हैं ये गोपियाँ तो साधारण कोई लड़की नहीं, ये तो कृष्ण का परिकर है, हैं परिकर है। हम लोग घर घर में ठाकुर को भोग लगाते कि नहीं ठाकुर जी को, हम क्या चाहते ठाकुर जी ग्रहण करे, ठाकुर जी ग्रहण करे। इसलिए ऐसे ही एक गोपी कुछ गोपियों ने देखा भैया ये कृष्ण को तो हम किसी तरह से पकड़ नहीं पाते हैं, पता नहीं कब आकर कब खाकर चले जाते पता ही नहीं चलता है। बोले एक काम करो। बोले क्या है? बोले छीके के ऊपर ना एक बेल लटका दो, हैं जो घंटी बजाते ना बेल बजाते हैं, बोले एक बेल लटका दो, फिर कृष्ण जब आएंगे जब चोरी करेंगे बेल अपने आप बजेगी, फिर पता चलेगा कृष्ण आए, फिर तो हम पकड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने बेल लटका दिया। जब कृष्ण पहुंचे सखाओं के साथ में, बोले ये क्या फांद रचाया, ये नया क्या फांद, ऊपर बेल क्यों लटका रहे? और समझ गए कृष्ण मेरे को पकड़ने के लिए फांद रचाया। इतने में कृष्ण बेल से बात किया, बोले तू कौन हो? बोले मैं आपका सेवक हूँ। बोले मैं कौन हूँ? बोले आप हमारे प्रभु हो। बोले बताओ दास का प्रभु का पति क्या कर्तव्य है? बोले आधे से पालन करना। बोले देखो जब तक मैं मक्खन खाऊंगा ना बजना नहीं, जब मैं मक्खन खा कर चले जाऊँ तब बजना। आप बोलोगे सचमुच से क्या बैल बात कर रहा था? बोले बात करता है, क्योंकि जो ब्रज में है ना ये यहाँ का स्थिति नहीं है, वो ब्रज गोलोक वृंदावन का स्थिति, वहाँ पर सबके सब सच्चिदानंद स्वरूप है, सबके सब भगवत स्वरूप है, वहाँ पर कोई साधारण बात नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, हैं हमारे हाथ क्या कर सकता है काम करेगा, आँख का काम किया देखना, मुंह का काम खाना, कान का काम सुनना, लेकिन वहाँ पर कान से भी कृष्ण खा सकते हैं, आँखों से भी ठाकुर काम कर सकते हैं, हाथों में भी ठाकुर देख सकते हैं, उनका सारे इंद्रिय सारे काम करता है। इसलिए गोलोक वृंदावन में सारे वस्तु अपराकृत दिव्य और सबके सब श्री बलदेव प्रभु का प्रकाश, सबके सब श्री बलदेव प्रभु का वहाँ प्रकाश है। इसलिए इतने में कृष्ण छिके के ऊपर से उन्होंने मक्खन उतारे, उतार करके कृष्ण जब खाने लग गए ना, वो जो बेल लटक रहा था बेल अपने आप बज उठी। बोले क्यों बज रहा हूँ, तेरे को मना किया ना मैं जब खाने के खा करके जाओगा तो बजोगे? बोले प्रभु आपको पता है जैसे हम ठाकुर को भोग लगाते ना बेल बजाते ना घंटी बजाते तब तो ठाकुर को भोग लगेगा। बोले प्रभु आप भोजन करना शुरू कर दिया ना, मैं बजे वगैरह आपका भोजन कैसे करोगे? बस इतने में 9, 2, 11 कृष्ण खा करके चली गई। और जब गोपियाँ आई ना
बोले अरे कृष्ण कहेगा खा करके चले गए कैसे। कृष्ण ऐसे ही एक दिन एक गोपी ने सोचा ये कृष्ण पता नहीं पकड़ में नहीं आता, एक दिन काम करेंगे, मैया को खुद बुला करके यहाँ दिखाएगी। एक गोपी गई थी जमुना में पानी भरने के लिए, जब पानी भरने के लिए गई थी आ करके देखा कृष्ण घर में बैठ करके मक्खन खा रहे हैं, देखा देख करके सोचा ये दरवाजे को बंद कर देती हूँ, ताला बंद करके चाबी काठी लेकर के मैया को बुला करके दिखाऊं कि देख तेरे लाला क्या कर रहा है। उसने झट दरवाजा बंद कर दिया, वहां पर ताला लगा दी, चाबी काठी को लेकर के मैया को बुलाने के लिए गई। जब मैया को बुलाने के लिए गई ना, देखा कृष्ण अपना घर में कुछ नटखट कर रहे थे। कृष्ण मैया तो लाला को घर में बांध करके रखी। बोले कृष्ण को तो मैंने वहां बंद करके रखा, तो ये घर में बंधा कैसे पड़ा हुआ, क्या ब्रज में दो दो कृष्ण हो गए। ये जो आश्चर्य बात उसने सुनाने के लिए और एक गोपी को बोलने के लिए गई, देखो हमने कृष्ण को दो दो कृष्ण देखा। जब उसने दूसरे घर में गए देखा उसको बच्चे को साथ में कृष्ण घर में खेल रहे। बोले क्या है? एक दो तीन कृष्ण कैसे हो गए? ये आश्चर्य बात उन्हें दूसरे घर में बताने के लिए गए तो देखा वो गोपी कृष्ण को गोद में बैठा कर उसको मक्खन खिला रही थी। अभी जिससे जिस घर में गई उसी उसी घर में कृष्ण को अलग अलग लीला करते हुए देखा। इतने में तो गोपी बेहोश हो गई, बोले मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ। इतने में कृष्ण बोले हे गोपी तो ये मत सोचो तुम्हारी घर में ही रोज आता हूँ, ऐसे नहीं, ये हर गोपियाँ मेरे को बड़े प्रेम से बुलाती, मैं तो घर घर में ब्रज में घर घर में मैं लीला करता हूँ। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की। अभी रोज रोज मैया को शिकायत करती हैं। एक दिन मैया सोच रही हैं क्या सचमुच से मेरे लाला दूसरे घर में मक्खन चोरी करते हैं, लगता है मेरे घर का मक्खन शायद खट्टा होगा और दूसरे घर गोपियों का घर का मक्खन मीठा होगा, तब भी मेरे घर में तो कोई कमी है नहीं। कितना गया मैया के घर में? कितने गया? नौ लाख। यहाँ पर कितना गया? यहाँ पर है सवा सौ होगी, समझो यहाँ केवल 15-20 गैया दूध देती हैं। और कितने घर में दूध जाता है यहाँ से बताओ? और हमारी यहाँ पर एक गैया है, हमारी एक गैया है, वो गैया इतना दूध देते हम खा नहीं पाते, कभी कभी फेंक देते, कभी कभी मैं डांट लगाता हूँ इतना दूध को क्यों बर्बाद कर रहे हो मठ में, हैं? इसलिए एक गैया की दूध इतना, और वहाँ पर 9 लाख गैया होगी, समझो वहाँ दूध दही की ना नदी बहती है। नंदगांव में जाओगे देखोगे वहाँ पर एक कुंड है, उसका नाम छाछ कुंड है, अभी भी वो कुंड है। इसका मतलब इतने छाछ होती थी पीने वाले नहीं होते थे, उसको लेकर के उड़ाल देते थे, उसको लेकर के उड़ाल देते थे इतने दूध दही की। इसलिए मैया सोच रही है लगता है मेरे घर में ये दासियाँ, जो मैया तो राजरानी हैं, राजरानी घर में दास दासियाँ हैं, लगता है ये दासियाँ जो मक्खन बनाती हैं शायद ये ठीक से मक्खन नहीं बनाती हैं, इसलिए खट्टा होता होगा, इसलिए मेरे लाला दूसरे घर में मक्खन खाता है, आज मैं स्वयं बनाऊँ। तब यहाँ पर श्री टीकाकार कहते हैं यहाँ जो प्रेम दिखाते हैं, कहाँ मैया राज रानी, कौन है? रानी है, वो कोई साधारण नहीं है, हैं? जिस घर में हजार हजार दास दासियाँ सेवा करती हैं, लेकिन प्रेम ऐसे के चीज है ना, हाँ प्रेम ऐसे के चीज है, इनके प्रेम को दिखा रही हैं। बोले मैं स्वयं अपना हाथों से मैं स्वयं मक्खन बनाऊंगी, इसलिए कहते नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया है, लेकिन उन गैया में केवल 8-10 गैया, इतने गैया में केवल जिनकी जिस गैया की कान केवल काला रंग हो, हाँ इस चीज को सुन लो, जिस गैया की कान केवल काला रंग हो वो जो गैया उनको कहते पद्म गंधा गावी, मतलब उनकी दूध से कमल फूल का खुशबू निकलती है केवल उसी गैया के दूध से, और वो जो दूध है उसको जो पान करेगा ना शरीर का सारे बीमारी नष्ट हो जाएगी, शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट होगा, बुद्धि बड़ा तेज होगा उसका बुद्धि, केवल इतने गैया को अंदर में केवल 8-10 गैया, कितने गैया में बताओ? वहां पर तो 9 लाख बताया लेकिन
अलग जगह पर बताते हैं, जब कृष्ण जन्म हुए ना, नंद बाबा साधु संतों को ब्राह्मण को कितने गैया दान दिया? 20 लाख। कितना दिया? 20 लाख। समझो कितने गैया को अंदर में केवल 8-10 जो गैया जिनकी दूध से कमल फूल की खुशबू निकलती है, मैया अपना हाथों से दूध निकाली, दूध निकाल कर गर्म किया। पहले अभी तो गैस आ गया, पहले किस में गर्म होता था? कंडे में, लकड़ी और कंडे में। जो गांव के तुम लोग होंगे देखना, वो क्या करते थे, गर्म करके ना कंडे के ऊपर दूध रख लेते थे सवेरे, और वो गर्म होते 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 एकदम लाल बन जाता था, और मलाई इतनी मोटी मलाई पड़ती थी। हमारे गांव में मेरी मैया भी करती थी, इसलिए हम देखा इतने मोटी मलाई और दूध एकदम लाल हो जाता था। और उसको फिर जब लाल हो जाता था, उसको फिर जामुन डाल करके उसको दही बैठा देते हैं। जो दही बैठाते हैं, केवल जैसे आज दही जमाया, अगर कल अगर वो उसको मक्खन बनाओगे ना, वो मक्खन बड़ा मीठा होगा। अगर 2-3 दिन हो जाएगा ना, वो मीठा नहीं होगा मक्खन, पर वो मक्खन फिर खट्टा होगा। आप लोग दही मंथन किया होगा अभी? देखो अभी तो अलग तरह से, पहले बड़ा मटकी होती थी, और मैं देखा मेरे मैया को, उसको रस्सी बांध कर करती थी, वो जो मक्खन होता था, यहाँ का जो बिकता यही से मक्खन नहीं, वो मक्खन इतने सॉफ्ट होता था, इतने सॉफ्ट होता था, इतने मीठा, बहुत सॉफ्ट होता था। किसी घर में अगर घी बनता है ना, पूरा गांव में पता चलता था किसके घर में घी बन रहा है, इतने खुशबू से खुशबू निकलती उसमें अंदर में। और जो घी का रंग एकदम पीला रंग होता था, घी का रंग एकदम पीला रंग, वो घी क्या होता था, इसलिए मैया आज स्वयं अपना हाथों से दही को जमाया, जमा करके फिर उसको सवेरे सवेरे उठ करके दही मंथन कर रहे। उसको बाद में क्या हुआ, फिर हम इसको कल सुनेंगे कैसे कृष्ण क्या करते हैं। ठीक है, बोले श्री मक्खन चोर भगवान की, बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निताय गौर ब्रह्मानंद हरे। अभी आप लोग जाओ, अभी हम बच्चों का क्लास लेंगे, आप लोग जाओ। ठीक है, हाँ।